Assalamu alaikum to you all. Now we will understand the biosynthesis of fatty acid, which is actually the de novo biosynthesis of fatty acid. It proceeds in cytosols of cell. Fatty acid ki biosynthesis cells ke cytosol mein hoti hai. Yani fatty acid cytosol ke andar bante hain, theek hai? In the form of long chain. It is divided into three phases. First one is transport of acetyl-CoA from mitochondria to cytosol. Second one is carboxylation of acetyl-CoA to melanoyl-CoA. And third one and last one is first phase mein acetyl-CoA ki transportation hoti hai mitochondria se cytosol mein. Acetyl-CoA fatty acid synthesis ka basic unit hai jiski elongation ki wajah se long chain fatty acid synthesize hoti hai. After the beta oxidation, acetyl-CoA mitochondrial matrix के अंदर TCA यानी citric acid cycle में जाता है, या फिर जो है acetyl-CoA is helpful in fatty acid synthesis. अब हम चूँकि fatty acid synthesis की बात कर रहे हैं जो कि cytosol में होती है, तो acetyl-CoA को mitochondria से बाहर निकालना ज़रूरी है और cytosol में भेजना ज़रूरी है जहाँ पर वो fatty acid synthesis proceed करे. अब एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकल सकता. दैट्स वाई एसिटाइल कोए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसिटेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेस, जिससे कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट इनटू सिट्रेट, देन सिट्रेट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड कम इनटू साइटोसोल. अब ये एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ रिएक्ट करके सिट्रेट की फॉर्म में साइटोसोल में दाखिल हो जाता है, जहाँ पर सिट्रेट फर्दर लाइस होता है, टूटता है इनटू एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसिटेट अगेन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट लाइएस. सिट्रेट लाइएस वो एंजाइम है जो सिट्रेट का ब्रेक डाउन करता है, इसको लाइस करता है एसिटाइल कोए में एंड ऑक्सैलो एसिटेट में. अब जो एसिटाइल कोए है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्पफुल रहेगा, उसमें मदद करेगा, काम आएगा, और ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा मिलेट में. अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मिलेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को के अंदर दाखिल हो जाए जहाँ पे वो फर्दर कन्वर्ट हो जाए, अगेन कन्वर्ट हो जाए ऑक्सैलो एसिटेट में, या फिर मलेट मैलिक एंजाइम की मदद से पाइरोवेट में कन्वर्ट हो बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ NADH प्लस H प्लस आयन टू फॉर्म NAD एंड कन्वर्ट इनटू पाइरोवेट. देन पाइरोवेट अगेन एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वियर पाइरोवेट कन्वर्ट टू मलेट. फेज टू इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू मेलानोइल कोए, जिसमें फेज वन से जितने भी एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं उन सब की कार्बोक्सिलेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेस एंड बायोटिन मॉलिक्यूल बाय रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाई कार्बोनेट आयोन्स. अब बायोटिन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिससे कि एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल इजीली मेलानोइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है. This step is the rate limiting and committed step of biosynthesis of fatty acid, and the rate limiting enzyme is acetyl-CoA carboxylase. अब इस step को proceed करने के लिए cell को some amount of energy की requirement होती है, इसीलिए यहाँ पे ATP convert होता है ADP plus pyrophosphate में, जिससे कि एक pyrophosphate bond टूटता है और cell को energy release होती है. इसके बाद फेज थ्री स्टार्ट होता है जहाँ पे बायो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होती है इन द मल्टी एंजाइम सिस्टम. दिस इज द फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज होती हैं. अब इस मल्टी एंजाइम सिस्टम को मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल में समझाया है, तो अगर आप उसे इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जो है इस लेक्चर के एंड में एक प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप सेपरेटली सर्च आउट कर सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू दैट कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंथेसाइज होती हैं,
जो कि दो सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चरली इसे हॉरिजॉन्टल मैनर में डिवाइड किया गया है, जबकि ये फंक्शनली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्टिव होता है। तो चूंकि ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स दो सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इन दोनों सब यूनिट के पास एक जैसे ही एंजाइम होते हैं, तो इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वक्त में साइमल्टेनियसली दो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज हो सकती हैं, जिसके फर्स्ट स्टेप के अंदर कीटो असाइल सिंथेटेस एंजाइम शामिल होता है, सेकेंड स्टेप में मेलानाइल ट्रांसएसाइलेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा, थर्ड स्टेप में एसिटाइल ट्रांसएसाइलेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फोर्थ स्टेप को कीटो असाइल रिडक्टेस एंजाइम कैटेलाइज करेगा, फिफ्थ स्टेप में डिहाइड्रेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जबकि सिक्स स्टेप को इनोइल रिडक्टेस एंजाइम प्रोसीड करेगा। अब फैटी एसिड की चेन की इलोंगेशन के लिए ये स्टेप और ये रिएक्शंस 2 to 6 टाइम जो है रिपीट होंगे। अब इसकी रिपीटेशन की टाइमिंग जो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की लेंथ पर वेरी करती है। अगर कोई लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड 10 कार्बन कंटेनिंग है, तो उसकी जो रिपीटेशन ऑफ स्टेप की टाइमिंग है वो 4 टाइम होगी। इसी तरह कोई 12 है तो उसकी टाइमिंग 5 टाइम होगी। तो ये स्टेप की रिपीटेशन फैटी एसिड की चेन की लेंथ पर डिपेंड है, ठीक है। देन इसके बाद जब पूरी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड की इलोंगेशन हो जाएगी, तो वो इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ एसिटाइल को ए टू कीटो असाइल सिंथेस, जिसके अंदर कीटो असाइल सिंथेस एंजाइम ACP असाइल कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जो कि एसिटाइल कोए और असाइल ग्रुप को कैरी करती है। अब ये ACP रिएक्ट करेगी एसिटाइल कोए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांस असाइलेज, जिससे कि को एंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एसिटाइल ग्रुप को ACP प्रोटीन कैरी कर लेगी। देन ACP से एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा कीटो असाइल सिंथेस पे और ये एंजाइम एसिटाइल एंजाइम कहलाएगा। अब सेकेंड स्टेप में एडिशन होगी यहाँ पर मेलानाइल कोए की, जिसे हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल एंजाइम से एंजाइम रिएक्ट करेगा मेलानाइल कोए ग्रुप के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलानाइल ट्रांस असाइलेस, जिससे कि अगेन को एंजाइम ए रिलीज आउट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में एसिटाइल मेलानाइल एंजाइम की डिकार्बोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कीटो असाइल सिंथेस, जिससे कि मेलानाइल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एसिटाइल ग्रुप कीटो असाइल सिंथेस से आकर मेलानाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, और अब ये एंजाइम कहलाएगा एसिटाइल ACP। अब फोर्थ स्टेप में इसकी रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कीटो असाइल रिडक्टेस, जिसके दौरान NADPH प्लस H प्लस आयन कन्वर्ट होंगे NADP में और ये हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे एसिटोएसिटाइल ACP के साथ, जिससे कि अब ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। अब जहाँ पे NADPH प्लस H प्लस आयन्स के हाइड्रोजन मौजूद हैं, उसकी आपको इस कलर से, ऑरेंज कलर से लाइट स्किन और पीच कलर से जो है रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है कि ये हाइड्रोजन एटम किस पोजीशन पे आके बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP के साथ अटैच हुए हैं। देन फिफ्थ स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP की डिहाइड्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेटेज, जिससे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। स्टेप में इनोइल ACP की रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोइल रिडक्टेस, जिससे कि NADPH प्लस H प्लस आयन NADP में कन्वर्ट होगा और NADPH के हाइड्रोजन एटम्स इनोइल ACP के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिससे कि ये ब्यूटाइल ACP कहलाएगा। ACP ब्यूटाइल ग्रुप को
कीटो असाइल सिंथेस एंजाइम के पास शिफ्ट कर देगा, जिससे कि अब ये असाइल एंजाइम कहलाएगा। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 6 एक साइकिल में लूप वाइज रन करेंगे ताकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की इलोंगेशन हो सके। अगर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड पामिटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है, तो स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 6 की रिपीटेशन 7 टाइम्स होगी, जिससे कि पामिटॉइल एसीपी फॉर्म्ड होगा। अगर एक साइकिल को रन करने के लिए एसिटाइल कोए का 1 मॉलिक्यूल, मेलानोन कोए का 1 मॉलिक्यूल और 2NADPH एंड 1 ATP रिक्वायर्ड हैं, तो अगर ये साइकिल 6 टाइम फर्दर मज़ीद रन करेगी तो हमें स्टेप नंबर 2 से तो हमें 6 मेलानोइल कोए के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर, एंड 12NADPH एंड 6 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अगर इन दोनों साइकिल नंबर 1 एंड साइकिल नंबर 6 का हम ओवरऑल सम लें तो टोटल सबस्ट्रेट ऑफ रिएक्शन सिंगल एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल 7 मेलानोइल कोए 14NADPH एंड 7 ATP रिक्वायर्ड है पूरी जो है फैटी एसिड की साइकिल को रन करने के लिए। इसके बाद हमारा 7th एंड फाइनल स्टेप शुरू होता है। आज 7th स्टेप प्रोसीड होगा जो कि रिलीज ऑफ पामिटिक एसिड है। अब पामिटॉइल एसीपी इन द प्रेजेंस ऑफ थायोस्ट्रेस एंजाइम की मौजूदगी में रिलीज आउट हो जाएगी इस फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से, जिससे कि कीटो असाइल सिंथेस एंजाइम और एसीपी खाली रह जाएंगे और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो कि यहाँ पे पामिटेट है और पामिटिक एसिड है वो रिलीज आउट हो जाएगी। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हमें ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिले, सिंगल लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि पामिटिक एसिड था यहाँ पे 14NADPH के रिजल्टेंटली मॉलिक्यूल 6 जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हुए, 8 मॉलिक्यूल हमें मिले यहाँ से को एंजाइम ए के एंड 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज आउट हुए।